रिकॉर्ड बना रहा है, एक मॉडल स्टेट बनने की तरफ है, तो वोटिंग परसेंटेज में भी हमारी स्टेट का एक परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो। और मुझे सौभाग्य मिलता है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उनसे इंटरेक्शन का, तो कल मैंने MCA की क्लास में पूछा था कि आप में से कितने लोग पहली दफ़े मतदान दे रहे हैं, तो ऐसे तो कुछ छात्र थे जिन्होंने भी विधानसभा इलेक्शन में वोट दिया था, लेकिन ज़्यादातर लोग लोकसभा में पहली दफ़े मतदान कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा आपको अपने अधिकार के प्रति आप पूरी तरह जागृत हों और जागरूक भी हों और रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाइम पे अपना वोट दें और लोगों को भी वोट देने के लिए प्रोत्साहित करें। यहाँ पे सिविल डिफेंस के जितने भी वार्डन्स यहाँ पे हैं और साहू जी भी हैं और पीछे से केवल खुराना जी का जो है इसमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, मैं आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ग्राफिकरा के जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस रैली में प्रतिभाग किया है, उसके साथ स्टाफ मेंबर्स और फैकल्टी मेंबर्स, तो उनको भी थैंक्स बोलता हूँ कि आप यहाँ पे आए और अपना काम काज उसे थोड़ा बहुत पोस्टपोन करिए, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी काम यही है। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद रखूँगा कि वापसी में भी आप इसी तरह से केयरफुली जाएँ और जिससे हेलमेट वगैरह लगा के जाएं, नियमों का पालन करते हुए जाएं और शांतिपूर्वक और सेफ्टी के साथ आप अपने गंतव्य स्थानों को पहुंचें। धन्यवाद। जो हमारे चीफ वार्डन सर हैं प्रोफेसर कमल घनसाला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की हमारे वार्डन्स की रैली निकाली, जिससे कि आम जनता भरपूर सहयोग मिलेगा इस मतदान को करने के लिए। और इसी प्रकार के आयोजन हमारे चीफ वार्डन साहब करते रहेंगे, जिससे हमारा सिविल डिफेंस विभाग चंद दिनों में ही बुलंदियों को छुएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। और इसी के साथ अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। आप लोग अब